हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिट कल्चर। और आज का जो टॉपिक है ये मसल मास के ऊपर है, इंपॉर्टेंस ऑफ मसल मास का। हमारे मसल्स किस तरीके से हमारी बॉडी का एक अहम रोल प्ले करते हैं उसके बारे में बताएंगे। और इस वीडियो को तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले तो बेनिफिट ऑफ मसल्स, मसल्स के बॉडी में एक सही मात्रा में होने की वजह से क्या फायदे हैं उस पर। दूसरा, लो इफेक्ट ऑफ लो मसल मास, मसल मास अगर हमारी बॉडी में लो हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं हमारी बॉडी को, उसके बारे में बताया जाएगा। और तीसरा, हाउ टू मेंटेन मसल मास, मसल मास को हम लोग मेंटेन किस तरीके से रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के तमाम टॉपिक को कवर करने, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, इत्मीनान से देखिए। और अगर आपको पसंद आएगा तो ये वीडियो आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। हाँ, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस चैनल को, ताकि आगे भी आपको हेल्थ से रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्टली अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ मसल मास। इसमें पहला पॉइंट है बेनिफिट ऑफ मसल मास। मसल मास के बेनिफिट कुछ अलग अलग पॉइंट्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। नंबर वन पॉइंट ये है कि जब मसल मास हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से होता है तो हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। सेकेंड चीज़, हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना प्रॉपर रहता है, ताकि हम लोग काम करने की सलाहियत हमारी बहुत बेहतर वे में अच्छी रहती है। तीसरा पॉइंट है, मसल्स हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट देते हैं, उसको मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी बोन्स को सपोर्ट देते हैं। चौथा, हमारे मसल्स जैसे जैसे हमारे इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे मसल्स का वेट लिफ्ट करने के लिए हमारे बोन्स की डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, जिससे हमारी बोन्स भी मजबूत होने लगती है। पांचवा, हमारे मसल्स के प्रॉपर रेशो होने की वजह से हमारा मेंटल स्टेट, हमारा इमोशनल स्टेट भी एक बेहतर तरीके से स्टेबल रहता है, जिससे हम लोग बहुत क्रिएटिव काम और बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें हम अपनी लाइफ में बहुत तेजी से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मसल्स प्रॉपर होने की वजह से बॉडी का फैट भी कंट्रोल में रहता है, बहुत तेजी से हमारी बॉडी का फैट भी इंक्रीज नहीं होता है। प्लस साथ में हमारे बॉडी में एक अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस होता है, हम लोग एक्टिव रहते हैं, हमें चलने फिरने और उठने बैठने में जरा भी कोई तकलीफ नहीं होती है, हम लोग बहुत तेजी से हमारे मन चाहे कामों को कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ मसल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी मसल्स जो बॉडी में प्रॉपर तरीके से होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है। आपको इम्यून सिस्टम के बारे में तो पता होगा, अभी फिलहाल हाल फिलहाल में आपने बहुत कुछ इसके बारे में सुना होगा। इम्यून सिस्टम प्रॉपर होने की वजह से हम लोग बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ सकती है हमारी बॉडी, और बड़ी बीमारियों को डिफीट कर देती है। और इसके साथ में अगर इनकेस अगर हमें कोई किस्म की इंजरी हो जाती है, तो वो इंजरी को भी हील करने में मसल मास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मसल मास का एक सही तरीके से सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। और ये मात्रा कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, बॉडी में मसल्स परसेंटेज कितना होना चाहिए, एक मेल में मसल परसेंटेज 33 से 36% के बीच में होना चाहिए ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी वेट का 33 से 36% जो मेल का होता है वो होना चाहिए, और फीमेल में 30 से 33% के बीच में होना चाहिए। तो इसको मेंटेन करना या इसको हमारी बॉडी को में इंक्रीज करना है या इसको लेवल में लेके आना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें इसको बहुत सही तरीके से मेंटेन रखना ज़रूरी है। अब मैं सेकंड टॉपिक पे आपको इसके बारे में मालूमात दूंगा कि लो मसल मास होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो हमारे इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे वीकनेस रहती है, एक मेंटल स्टेट हमारा ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी किस्म के काम करने में हमारा मन नहीं लगता है, सुस्ती जैसे बोलते हैं ना कि सुस्त रहते हैं बहुत से लोग, उठने बैठने में चलने फिरने में एक्टिव नहीं रहते हैं, वो दिख के ही नहीं आता है कि ये एक्टिव हैं, और इनके वो खुद ही बॉडी लैंग्वेज ही दिखाती है कि इनकी बॉडी में मसल मास बहुत लो है। सेकेंड चीज़, इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है, लो होने की वजह से बॉडी में बीमारी बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं,
और इन केस कभी कोई इंजरी होती है तो इंजरी रिकवर भी बहुत स्लो होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देना है मसल मास को मेंटेन कर रखने के लिए, किस तरीके से हमें मेंटेन रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमें अपने बॉडी के मसल मास को चेक करना है, कितना मसल मास है। BMI के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं, या आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास में एक मसल एनालाइजिंग मशीन है जिसमें हम लोग आपको चेक करके बता सकते हैं कि आपके मसल मास कितने हैं और आपको कितने लेवल तक पहुंचना है। और उसके साथ साथ में हम आपको गाइड भी करते हैं कि खाने पीने की चीज़ों के जरिए, फूड के जरिए या आप दूसरी चीज़ों के जरिए आप किस तरीके से अपने बॉडी के मसल मास को लेवल में ला सकते हैं, अगर कम है तो उसको इंक्रीज कैसे किस तरीके से कर सकते हैं, और उसको इंक्रीज करके लाइफ टाइम उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट है, वो है हाउ टू मेंटेन मसल मास। सबसे पहली चीज़, मसल मास को मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज, वो भी 15 मिनट डेली हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। 15 मिनट एक्सरसाइज जो है मिनिमम मिनिमम हमें करना चाहिए, जो हमारी बॉडी के मसल मास को मेंटेन रखती है, वो भी 20% ही मेंटेन रखती है। और जो 80% पार्ट है वो हमारा फूड से, हमारे प्रोटीन इंटेक से होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे बॉडी में हमें प्रोटीन इंटेक हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने इसको डिफाइन किया है, आपको उसके बारे में मैं मालूमात दे देता हूँ। फूड के जरिए हम लोग अपने बॉडी के मसल मास को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं और प्रोटीन इंटेक को प्रॉपर रख सकते हैं, तो मैं पहले नॉनवेज सेक्शन के हिसाब से बताऊंगा कि नॉनवेज में हम लोग किन किन चीज़ों के जरिए अपने प्रोटीन इंटेक को प्रॉपर रख सकते हैं। वो सबसे पहले आता है चिकन, दूसरा आता है बीफ, तीसरा हम लोग सी फूड यूज़ कर सकते हैं, और सी फूड में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन जिसमें होता है वो है टूना फिश में होता है। आप अगर उसका डेली इंटेक रखेंगे तो उसके जरिए आप अपने बॉडी के मसल मास को मेंटेन रख सकते हैं। नॉन वेज सोर्स तो कंप्लीट हो गया, और उसके साथ साथ में वेज सोर्स से आप लोग किस तरीके से अपने बॉडी के मसल मास को और प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से इंटेक रख सकते हैं, उसमें सबसे पहले आता है डेयरी प्रोडक्ट, सेकेंड चीज आती है सोयाबीन्स, योगर्ट्स, चीज, मिल्क, इसके जरिए आप लोग अपने बॉडी के, और बहुत सी चीज़ें हैं जो डिटेल में अगर हम लोग उसके बारे में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पहुँच जाएंगे, और बहुत से ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिसके जरिए हम लोग प्रोटीन इंटेक को बेहतर वे में रख सकते हैं। फ्रूट्स में हम लोग सबसे पहले बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको हम लोग प्रोटीन इंटेक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले गुआवा आता है, एप्रिकॉट आता है, और एवोकाडो आता है, और कीवी आता है, और ब्लैकबेरीज आता है, और बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप थोड़ा सर्च करके भी देख सकते हैं कि हम कौन कौन से फ्रूट में प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा कारामद है और जो बहुत ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट रखता है। और अब ये एक सवाल उठता है कि कितना वजन के लोगों को कितना प्रोटीन इंटेक डेली होना चाहिए और कितना डाइजेस्टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रोटीन इंटेक जो हमारे बॉडी के वेट के हिसाब से होता है। अगर हमें अपने मसल मास को सिर्फ मेंटेन करके रखना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो है कि आपके बॉडी के मसल मास को मेंटेन रखना है, तो 1:1 का आपका रेशो होना चाहिए। मीन्स अगर आपका 60 kg वेट है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी में डेली इंटेक होना चाहिए विद 3 टाइम्स इंटरवल। ऐसा नहीं है कि 60 ग्राम प्रोटीन मुझे इंटेक करना है तो मैं सुबह सुबह उठ के 60 ग्राम प्रोटीन मैंने खा लिया और मैं अपने बाकी दिन भर में यूज़ नहीं किया, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। हमें प्रोटीन इंटेक को 3 इंटरवल में रखना है, डिवाइड बाय हमारे वेट से डिवाइड बाय 3 करना है, और उसको 3 इंटरवल में रखना है। मतलब मेरा 60 kg अगर वेट है तो मुझे उसको मॉर्निंग में 20 ग्राम प्रोटीन लेना है, लंच में 20 ग्राम प्रोटीन लेना है, एंड डिनर में तो 20 ग्राम प्रोटीन लेना है। साथ ही अगर किसी को मसल मास को, जैसे जिम में बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेसिव मसल्स की ज़रूरत होती है, तो उन्हें 1:2 का रेशो रहता है। मतलब उनका बॉडी का वेट जितना होता है, एक 60 kg उनका वेट है तो वो 120 ग्राम प्रोटीन इंटेक डेली रखते हैं, जिसके वजह से वो बॉडी को बहुत तेज़ी से मसल्स को इंक्रीज करते हैं।
तो अगर आपको मसल्स को मेंटेन रखना है तो मेंटेन रखने के लिए 1:1 का ही रेशियो रखिए। आपके मसल्स डेली बेसिस पे मेंटेन रहेंगे। अगर आपको बहुत तेजी से इंक्रीज करना है तो 1:2 का रेशियो रखिए। आपका जितना बॉडी वेट है, बॉडी वेट से आपको डबल प्रोटीन इंटेक रखना है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपका प्रोटीन इंटेक जो भी आप कर रहे हैं, आप जो भी सोर्स से प्रोटीन ले रहे हैं, वो प्रोटीन आपका डाइजेस्टेबल होना चाहिए और बॉडी में वो 100% डाइजेस्ट होना चाहिए। क्योंकि हमारे फूड में अभी जो एडल्ट्रेशन होता है, मिलावटें होती है और बहुत सी चीज़ें जो पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं, तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो इसमें जो 100% डाइजेस्टेबल आपको अगर प्रोटीन चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मैंने डाल दिया है, आप वो नंबर पर मुझे कॉल करके या मैसेज करके मुझे इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 डाइजेस्टिबल जो प्रोटीन है, जो 1 ग्राम भी अगर आप खाएंगे तो आपको बॉडी में पूरा 100% वो 1 ग्राम डाइजेस्ट होगा। अगर आपको इस तरीके का प्रोटीन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन और गाइड करूंगा। एंड दैट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने नियर वंस और डियर वंस को शेयर कर सकते हैं। प्लस आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर ज़रूर आप लाइक करिए इस वीडियो में, और आप अपने जान पहचान वालों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी हेल्थ वाइज अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स को के इम्प्रूव कर सके हेल्थ को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दैट्स इट फॉर टुडे।